हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप यू गाइस आर विल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक वंडरफुल मैजिकल फेस वॉश पाउडर जो कि हम घर पे बनाने वाले हैं। बेसिकली इसके लिए आपको दो इंग्रेडिएंट लगेंगे जो कि आपको अपने किचन से मिल जाएंगे। उसके लिए आपको अलग से इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं। इसके अलावा पूरी तरीके से नेचुरल है, बिना किसी केमिकल के। एंड मैं आपको अश्योर करती हूँ कि अगर आप इसको लगातार 7 दिन यूज़ कर लेते हो ना, तो आपको मार्केट वाला जो आप फेस वॉश अपना यूज़ करते हो उसको आप साइड में रख दोगे, इसको हमेशा के लिए यूज़ करना पसंद करोगे। मैं आपके साथ ये नहीं कह रही हूँ कि आपको ये नहीं कह रही हूँ कि आप मार्केट वाले जो फेस वॉश यूज़ करते हो उनको यूज़ करना बिल्कुल छोड़ दे। नहीं, आप उनको यूज़ करते हैं, लेकिन समय समय में आपको जब भी लगता है कि आपकी स्किन बहुत ज़्यादा डल हो गई है, डैमेज हो गई इस धूप के कारण, यानी आपकी स्किन का कलर कॉम्प्लेक्शन पहले से काफ़ी डार्क हो गया है, किसी भी प्रकार का स्किन डैमेज हो गया धूप से, स्किन आपकी टैन हो गई है, या रिंकल्स का अपीरेंस अपनी एज से पहले दिखना शुरू हो गया है, स्किन में किसी भी प्रकार के डार्क स्पॉट्स वगैरह हैं, यानी कुल मिला के आप कह सकते हो जब आपको लगता है कि आपकी स्किन को ज़रूरत है उसके पोषण की या उसके फूड की, तो आप इस पाउडर को यूज़ कर सकते हो एज ए फेस वॉश। जिसको यूज़ करना बहुत ईजी है वो मैं आपको आपके साथ वीडियो में आगे शेयर करने वाली हूँ। तो बात करते हैं उन दो मैजिकल इंग्रेडिएंट के बारे में। जी हाँ, मैं यहाँ बात कर रही हूँ रेड लेंटिल, यानी जो खूबसूरत सी बेबी पिंक कलर की लाल वाली मसूर की दाल होती है ना, उसके बारे में, जिसका हम लोग इंटेक करते हैं दाल के रूप में, तो बहुत ही ज़्यादा वंडरफुल रिजल्ट देती है हमारे स्किन को चमकाने के लिए। पुराने समय में हमारी जो दादी नानी थी या जो हमारी बुजुर्ग थे, वो अपने चेहरे को चमकाने के लिए घरेलू DIYs में मसूर दाल के उपटन का यूज़ भी किया करती थी, जिससे स्किन बहुत ज़्यादा चमकदार, बहुत ही ग्लोइंग होती। सेकेंड इंग्रेडिएंट है चावल। चावल हम सब जानते हैं जैपनीज एंड कोरियन का टॉप सीक्रेट है, वर्ल्ड वाइड फेमस है। इसके स्किन केयर प्रोडक्ट भी आते हैं मार्केट में, आप देखोगे अगर सर्च करके देखिए। चावल में होता है स्टार्च, प्रोटीन, वाइटमिन एंड इसके अलावा एमिनो एसिड, एसिडिक प्रॉपर्टीज होती है। इसके अलावा कुछ इस टाइप के एंजाइम्स होते हैं जो कि आपकी स्किन को टाइटन करते हैं, कसाव लाते हैं, इसके साथ ही साथ आपके कलर कॉम्प्लेक्शन को लाइट करते हैं, क्योंकि मसूर दाल में होता है विटामिन सी, विटामिन ई, पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट, एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज, एंटी बैक्टीरियल, एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती हैं। जी हाँ, विटामिन सी स्किन में कोलाजन को बूस्ट करता है, स्किन के दाग धब्बों को रिड्यूस करता है, इसके साथ ही साथ सन डैमेज जो होता है उससे हमारी स्किन को प्रोटेक्ट करता है। विटामिन ई स्किन को डीपली नरिश करता है, जिससे हमारी स्किन ड्राई नहीं होती एंड समय से पहले हमारी स्किन में रिंकल्स नहीं आते हैं। उसके अलावा एंटी बैक्टीरियल, एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज जो होती हैं स्किन में पिंपल्स, एक्ने को होने से रोकती हैं, इसके साथ ही साथ पोर्स को डीपली साफ़ करता है। तो चलिए देख लेते हैं उसको हम किस प्रकार प्रिपेयर करें। उसके लिए आपको बराबर पोर्शन में, यानी बराबर भागों में दोनों चीज़ों को ले लेना है। यानी अगर आप यहाँ 5 चम्मच चावल का लेंगे तो 5 चम्मच ही मसूर दाल को लेना है। दोनों को अच्छे से मिक्स करें। उसके बाद आप इसको थोड़ी देर धूप में रख दें। धूप में रखने के बाद थोड़ा सा ठंडा करें, हल्का सा मिक्सर जार में भी पीस सकते हो। सूखा पीसना है, पाउडर बनाना है बेसिकली। तो उसके बाद अगर आप ये नहीं कर सकते तो मार्केट से भी दोनों चीज़ों का पाउडर ला के आप घर में मिक्स करके अपने वॉशरूम में रख सकते हो। तो दोनों को पीस के आपको पाउडर बना के अच्छे से मिक्स करके किसी कंटेनर में मिक्स करके आपको अपने वॉशरूम में रख लेना है। एक और चीज़ ध्यान रखें, अगर आपकी स्किन यहाँ पे ऑयली है तो इसमें 1 से 2 चम्मच बेसन को भी मिक्स कर लें। बेसन हमारे पोर्स को साफ़ करता है, इसके अलावा ऑयल के सिक्रेशन को रोकता है, जिससे हमारी स्किन में पिम्पल्स वगैरह नहीं होते हैं। तो अगर स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है तो आप इसमें मिल्क पाउडर भी मिक्स कर सकते हो, अदरवाइज़ आपके पास नहीं है क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास नहीं होता है, तो आप इसको जब भी आप फेस वॉश करते हो तो आप वहाँ पे इस पाउडर में दूध को मिक्स करके भी अपना फेस वॉश कर सकते हो, जिससे आपकी स्किन ड्राई नहीं होगी। तो इसको यूज़ किस प्रकार करना है, इसको डेली सुबह शाम हम जिस प्रकार अपना फेस वॉश नॉर्मल मार्केट वाले फेस वॉशेस से करते, वैसे ही हमें उन फेस वॉश को जितने समय के लिए इस पाउडर को हम एज ए फेस वॉश यूज़ करेंगे, एज ए क्लेंजर यूज़ करेंगे, साइड पे रख देना है। एंड इस पाउडर को 2 से 3 चम्मच, छोटी चम्मच है तो 2 से 3 चम्मच, बड़ी चम्मच है तो 1.5 चम्मच के आसपास हथेली में लेना है। स्किन ड्राई है तो यहाँ पे दूध को मिक्स करें, स्किन ऑयली है तो रोज़ वाटर से मिक्स करें, पूरे चेहरे में अच्छे से अप्लाई करें, रब करें, बहुत ज़्यादा हार्श हाथों से रब ना करें, क्योंकि ये मैंने घर में बनाया हुआ पाउडर है तो इसमें थोड़े बहुत पार्टिकल है जो कि आपके स्किन से डेड सेल को भी निकाल देता है। तो इसके बाद आपको उन जगह पे ज़्यादा आपको इसको रब करना जहाँ पे वाइट हेड, ब्लैक हेड या फिर डेड सेल आपको लगता है स्किन आपके
खुरदुरी, उसके बाद इसको तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए रब करें, उसके बाद छोड़ देना है 5 मिनट के लिए। उसके बाद नॉर्मल पानी से चेहरे को वॉश करें। इसको आप पूरी बॉडी में भी, अब अगर आप आपको लगता है कि आपकी स्किन बहुत ज़्यादा पूरी टैन हो गई, तो वहाँ पे पूरी बॉडी में भी एज ए बॉडी पॉलिश के तरीके यूज़ कर सकते हो। जी हाँ, उसके बाद इस पाउडर को आपको लगातार, आप जब भी 7 दिन पहले यूज़ करोगे ना, रिज़ल्ट आपको दिखने शुरू हो जाएंगे। लेकिन ज़्यादा बेहतर रिज़ल्ट के लिए पहले 21 दिन आप इसको लगातार यूज़ करके देखें। मेल एंड फीमेल यानी दोनों, बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों लोग यूज़ कर सकते हैं। 12 साल से कम एज वाले बच्चे इसको यूज़ ना करें। वैसे तो ये उपटन है उनका, ऐसा इसमें कोई ना तो केमिकल है ना तो कोई प्रिजर्वेशन है। तो दोस्तों एक बार इस स्किन वाइटनिंग फेस वॉश पाउडर को यूज़ करके देखें, बहुत इसके गजब के रिजल्ट हैं। तो दोस्तों आई होप आपको मेरा वीडियो, मेरी जानकारी पसंद आई। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ दोस्तों मेरे चैनल को लाइक करें, सब परे परे कमेंट करें। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, टिल देन टेक केयर।